Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. Achha. To yaar, university ke baare mein kaafi baatein kar chuke hain already hum apni pichli videos mein. Toba. To jaisa ki maine pichli video mein bataya tha ki yaar hum next video mein thoda degree ki se related bhi baat karenge. To aaj ki video jo hai wo bahut zyada important hai yaar, because aap jidhar ja rahe hain, for example if you opted UET Mardaan, to ye question to zarur hota hai zehen mein ki yaar kaisi degree hai, pata nahi value bhi hai ki nahi. क्या है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या डिग्री है, कैसी डिग्री है. तो यार इस वीडियो के लास्ट तक जो है आपको डिग्री से रिलेटेड सब बातें पता चल जाएंगी. तो आपको ये करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको सब समझ आ जाए. और अगर वीडियो के लास्ट में आपको ये लगे कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो सपोर्ट करने के लिए यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट. तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी मजीद देरी के. अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो है वो डिग्री क्यों मैटर करती है. लाइक यूईटी मर्दान या यूईटी पिशावर और फास्ट और नस्ट, इनकी डिग्री सेम क्यों नहीं है. तो यार मेरे बाबा एक बात कहते होते हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, कि यूनिवर्सिटीज़ बनते बनते सदियों लग जाती हैं. अब ये नहीं कि उसके कंस्ट्रक्शन पर सदियों लग जाती हैं या बहुत टाइम लग जाता है. इस बात का मतलब ये है कि एक यूनिवर्सिटी को जो है वो अपना एक स्टेटस बनाते हुए, अपनी इतनी वैल्यू बनाते बनाते सालों लग जाते हैं. क्यों सालों लग जाते हैं? बिकॉज जब उस यूनिवर्सिटी से डिग्री ले गए लोग, स्टूडेंट्स आगे जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, वो काम करते हैं, तो उनकी काम पर, उनकी पोजिशन पर, उनका इंडस्ट्री में कैसा जो है वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब चीज़ें मैटर करके फिर जो है वो यूनिवर्सिटी की वैल्यू बनती है. ठीक है, आप सबको पता है यार UET पुरानी जो है यूनिवर्सिटी है, कितनी पुरानी है. पूरे पाकिस्तान में सबको पता है कि UET एग्जिस्ट. अगर UET एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब यार आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है. अब स्पेसिफिकली बात करते हैं UET मर्दान की. क्या जो है UET मर्दान की डिग्री जो है वो UET पिशावर जैसी है, या डिफरेंट है, या कम वैल्यूएबल है, या ज़्यादा वैल्यूएबल है? चले यार मैं आपके सारे क्वेश्चन को जो है ना जल्दी जल्दी से जो है वो क्लियर करता हूँ. तो यार सिंपल सी बात है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है PEC का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट है वो. आप उधर जाएँ, उधर एक लिस्ट मिलेगी आपको, वो मैंने लिंक दे दिया, आप जाके देख भी सकते हैं. सही है, Level 2 डिग्रीज पाकिस्तान में वो यूनिवर्सिटीज़ के वो डिपार्टमेंट्स जो PEC से रिकॉग्नाइज हैं, किसमें? अंडर Level 2. अब यार ये Level 1 Level 2 क्या बला है? चलो मान लिया PEC से रिकॉग्नाइज है, ये हो गया Level 1. Level 2 क्या है? Level 2 ये है कि आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज है वॉशिंगटन एकॉर्ड से. लाइक आपका जो सिस्टम है वो OBE है, ऑब्जेक्टिव आउटकम बेस्ड एजुकेशन. अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या सिस्टम है, क्या वो है, आप जो है जाके ब्लॉग वगैरह पढ़ सकते हैं या किसी वीडियो में इस पर बात भी कर लेंगे. तो PLO CLO सिस्टम होता है, वो क्यों है, क्या है, इस पर बाद में बात करेंगे. अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. यार उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप जो है उस वॉशिंगटन एकॉर्ड में जो है कुछ ये कंट्रीज़ का आपस में मुआहदा है, और इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज शामिल हैं जिसमें UK, अमेरिका, इस तरह के, कैनेडा, तो ऑस्ट्रेलिया भी है शायद, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कौन कौन से कंट्रीज हैं. और बेसिकली ये एग्रीमेंट जो है ये कहता है कि यार जब आप जो है उन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो है डिग्री जो है वो वहाँ भी रिकॉग्नाइज होगी और आप जाके डायरेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते. तो UET मर्दान की डिग्री Level 2 डिग्री है. UET पिशावर की डिग्री भी Level 2 डिग्री है. इस तरह से अगर देखा जाए तो UET मर्दान और UET पिशावर की डिग्री जो है वो सेम है. सही है, और यार इस बात को समझना ज़रूरी है कि UET मर्दान इज नॉट अ पार्ट ऑफ UET पिशावर. वो उसका कैंपस नहीं है UET पिशावर का. UET मर्दान अलग यूनिवर्सिटी है, UET पिशावर अलग यूनिवर्सिटी है. दोनों अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, फील्ड्स पर डिपेंड करता है. सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है UET पिशावर को. अगर मुझसे पूछें यार, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करता हूँ, हर कोई अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करता है. बाकी आपकी मर्ज़ी है, टोटली आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है. हर जगह जाएंगे, स्पेशली IT में, तो आपका भाई अपना स्किल पर डिपेंड करता है. लेकिन इस बात को भी याद रखना ज़रूरी है कि UET मर्दान का IT डिपार्टमेंट इज़ रियली गुड. आप आएंगे, आप रिग्रेट नहीं करेंगे. और चीज़ों को आप रिग्रेट कर सकते हैं शायद कि यार इधर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ काम है, इधर प्रेजेंटेशंस काम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ों को. लेकिन पढ़ाई के मामले में ना आप नहीं रिग्रेट कर सकते कि यार उधर चला जाता तो पढ़ के कुछ बड़ा इंसान बन जाता. नहीं, ऐसा नहीं है. तो यार आप बेफिक्र हो के जो है UET मर्दान आइए, यू आर मोस्ट वेलकम. तो आई थिंक यार दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू इन्जॉयड द वीडियो. और आपको पता चल गया होगा और आपका कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा डिग्री के बारे में. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल reply for sure.
अगर जो है वो इम्पोर्टेंट कोई बात हुई तो उस पर एक दूसरी वीडियो भी बना लेंगे. ओके सो गाइस दैट्स ऑल एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग. सी यू सून. अस्सलामु अलैकुम.